खरगोन जिले के सनावत की एक होटल में पुलिस ने देह व्यापार की शिकायत के बाद कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। खरगोन जिले के सनावत के नगर के ट्रायंगल चौराहे पर एक होटल लॉज में काफी दिनों से देह व्यापार की शिकायत पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान को मिल रही थी। वहीं एसपी के निर्देश पर शनिवार शाम 5 बजे खरगोन फ्लाइंग के जवानों ने ट्रायंगल स्थित सोनी लॉज पर दबिश की कार्रवाई की, जहां 3 महिलाओं सहित 12 पुरुष और एक होटल संचालक सहित 16 लोगों को हिरासत में लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रायंगल स्थित इस लॉज पर धड़ल्ले से देह व्यापार का काम कई दिनों से जारी था। इस संबंध में स्थानीय पुलिस कार्रवाई के बाद या 1 या 2 दिन यह व्यापार बंद रहता था, लेकिन जैसे ही बात ठंडी होती है उसके बाद फिर यहां बड़े पैमाने पर देह व्यापार शुरू हो जाता है। यहां पर बाहर से आने वाली महिलाओं को होटल संचालक द्वारा रुपए का लालच देकर व्यापार करवाया जाता है। साथ ही आने वाले ग्राहक भी नगर से नहीं बल्कि ग्रामीण एवं आसपास के क्षेत्रों के रहते हैं। मामले की जानकारी देते हुए SDOP मानसिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दीपक यादव और सुदर्शन चौहान की 10 सदस्यीय टीम ने ट्रायंगल स्थित सोनी लॉज पर रणनीति बनाकर कार्रवाई की। लॉज के ऊपर एक छापा वापा हुआ है, कोई सेक्स रैकेट पकड़ाया था, क्या मामला है? जी हाँ, आज सब इंस्पेक्टर सुदर्शन कुमार द्वारा बताया गया है कि सर मुखबिर की सूचना मिली है और ट्रायंगल चौराहे पे अरुण कुमार सोनी की दुकान लॉज टाइप की 3 कमरे बना रही है, वहाँ पे लड़कियों को बुलाकर अपने कमरों में रखा है और देह व्यापार पैसे लेकर करता है। ये सूचना तस्दीक के लिए DRP लाइन से ही हमारे 10 सदस्यीय दल भी आए और मुझे अवगत कराया। हमने पूरी टीम तैयार करके मुताबिक सूचना के प्लान बनाया और उनको पकड़ने की घेरा बनने के लिए और सूचना तस्दीक टीम सही तक रवाना हुआ। प्लान मुताबिक हमने जो पंटर भेजा था, नोट देकर भेजा था, उसने इशारा किया। इशारे पे पाते ही हम लोग अंदर गए और देखा कि होटल संचालक अरुण कुमार सोनी बैठा हुआ है और वो आने जाने वाले ग्राहकों को उनसे पैसे लेकर वसूल कर रहा है। साथ में ही उससे पूछताछ पे और अंदर जाकर देखा तो कमरे में एक लड़की और एक युवती, ऐसे करके तीनों कमरों में 3 व्यक्ति मिले, बाकी अन्य 8-10 लोग दूसरे कमरे में मिले। जिनसे पूछताछ पर और तस्दीक पर ये तरह की और सूचना सही पाई गई कि इनसे पैसे लेकर और इन व्यक्तियों से देवाल पर कर रहा है। इस प्रकार से सनावत क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई है और इस प्रकार से अनैतिक देह व्यापार जो हो रहा था उस पर अंकुश भी लगेगा और उस पर हमने विधिवत सभी को गिरफ्तार करके थाने लेकर आए। विधिवत कार्रवाई की जा रही है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, ये प्रकरण गैर जमानती रहेगा कि जमानती रहेगा? गैर जमानती अपराध है। कितने लोग इसके अंदर शामिल हैं सर टोटल? इसमें टोटल होटल संचालक से 13 व्यक्ति हैं और 3 महिलाएं। ये मेहनत की है कि बाहर की है? कुछ बाहर की भी है। और ये जो पुरुष लोग हैं वो भी यहीं के हैं कि वो भी अपने जिले के ही लोग हैं? आसपास के कुछ सनाव के कोई बड़वाहा का आसपास के। ठीक सर, थैंक यू। बड़वाहा से वाजिद खान की रिपोर्ट।